गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग पैसिव वॉइस की बात कर रहे थे। पैसिव वॉइस लगभग आज आखिरी वीडियो होगा। पैसिव वॉइस में हम लोगों ने देखा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखें कि अधिकतर ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग होगा, लेकिन आज आप लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रीपोजिशन के स्थान पर बाई के अलावा अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आप इसे नोट करते चलिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पैसिव वॉइस में यही वो इंपॉर्टेंट रूल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हें आप लोग मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखते हैं रूल। कुछ ऐसे वर्ब्स जिनके साथ साथ ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग नहीं बाई का प्रयोग प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। सरप्राइज, अस्टोनिश, डिस्ट्रेस, डिसप्लीज, अलार्म, ये जो वर्ब हैं इन सभी के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। किनका प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं नंबर टू पर है नो और ओब्लाइज, इनके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर पर देखते हैं प्लीज, सैटिस्फाई, डिसगस्ट, चार आदि वर्ब है, इनके साथ विद का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, नोट कर लें और आगे बता रहा हूं। कंटेन और इंटरेस्ट, इनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर, एक एग्जांपल देख ले। आई नो हिम, ये सेंटेंस आप करेंगे तो ही इज नोन बाई मी, ये करेंगे जो कि ये गलत है। इसका सही होगा ही इज नोन टू मी, ये इसका सही पैसिव वॉइस हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी वर्ब हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्हें याद करिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहा था तो आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बनती है, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती। लेकिन वहाँ एक विशेष भी बात बताई थी, कुछ ऐसी भी इन ट्रांजिटिव वर्ब है जिनके साथ जब प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम करने लगती हैं। कुछ इन ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे हैं
जिनके साथ साथ प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य वर्ब का कार्य करने लगते हैं। और तब उनका पैसिव वॉइस भी बन जाता है भी बन जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देख लें, ही लाफ्स एट मी। अब यहां लाफ इंट्रांजिटिव वर्ब थी, एट जुड़ जाने की वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई एम लाफ्ड एट बाय हिम। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर डबल डबल प्रीपोजिशन यहाँ आ रही है, तो ये डबल प्रीपोजिशन नहीं है, ये डबल प्रीपोजिशन नहीं है, बल्कि अब ये फ्रेजल वर्ब बन गया है। ये जो एट है ये फ्रेजल वर्ब, जब सब्जेक्ट के रूप में पीपुल पुलिस पब्लिक क्राउड समवन वन एवरीवन आदि आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हें हटा देते हैं और इस रूल को ओमिशन ऑफ द एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जांपल में देख ले, जैसे वंस प्रॉमिसेस ये इंटरमीडिएट में पूछा जा चुका है सेंटेंस, इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी वंस प्रॉमिसेस शुड मॉडल एक्सिलरी है, मैंने बताया मॉडल एक्सिलरी जितनी भी उनके साथ पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग किया जाता है, तो शुड बी केप्ट। कुछ बुक्स में आपको केवल प्रॉमिसेस दिया होगा, वंस नहीं दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट रूल, कुछ यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ना होकर एक क्लाज हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट रूल है, सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं, जितने भी रूल्स हैं। एग्जांपल देख ले, वी डिसाइडेड
टू लीव तो होगा इट वॉज डिसाइडेड टू लीव। एक एग्जाम्पल और देख लें, ही आस्क्ड इफ द वर्क हैज डन, तो हो जाएगा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट रूप में है, तो इट वॉज आस्क्ड, इट वॉज आस्क्ड इफ द वर्क, आई एम सॉरी यहां वर्क मिस हुआ है, वर्क हैज बीन डन। नोट कर लें। अब हम देखते हैं कुछ वर्ब्स, कुछ सेंटेंसेस का ऐसा आकार होता है जो एक्टिव वॉइस होता है, सब्जेक्ट होती है, वर्ब बी, वर्ब बी बोले तो इज, एम, आर, वॉज, वर्ड, वॉज, वर्ड प्लस टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी, वर्ब बी यही है जमा, प्लस टू बी, टू प्लस बी प्लस वी थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे एग्जांपल देख लें, ही इज टू हेल्प मी, ये हो जाएगा आई एम टू बी हेल्प्ड बाय हिम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यदि आप हमारे स्ट्रक्चर में, हमारा सेंटेंस इस आकार स्ट्रक्चर में आए, सब्जेक्ट पर प्लस वर्ब हैव, वर्ब हैव, हैव मींस हैज, हैव एंड हैड, प्लस आई एम सॉरी प्लस टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे ये हो जाएगा पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हैव प्लस टू बी, टू प्लस बी प्लस वी थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, वी हैव टू रीड इट, वी हैव टू रीड इट, अगर ये सेंटेंस आता है तो पैसिव वॉइस बनेगा इट हैज टू बी रेड बाय अस, ये हो जाएगा। ठीक है, नोट कर ले, जैसे पैसिव वॉइस, वॉइस विथ टू ऑब्जेक्ट, यदि पैसिव वॉइस विथ टू ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में यदि एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो पैसिव वॉइस बनाते क्या समय क्या करेंगे, तो यदि वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय, वॉइस बनाते समय समय किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। एग्जाम्पल देख लें, ही गेव मी अ पेन, ये यहां दो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी को भी सब्जेक्ट बना लें, ये हो जाएगा, इसका बना देंगे आई वॉज गिवेन अ पेन बाय हिम, या ये कर सकते हैं आप लोग ए पेन वॉज
given to me by him। यहाँ टू ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्न ग्रामर में टू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर देंगे तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट में पढ़े होंगे, प्लेस रिप्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, शिव वॉइस विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर किसी से वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो, यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में इत का प्रयोग करते हैं। सेंटेंसेस जैसे आता है आई फील, आई नो, या आ जाता है आई हो, तो इनकी पैसिव अगर बनाए, जैसे मैं एक सेंटेंस ले देता हूँ आई फील, ये इसकी एक्टिव है, पैसिव बनेगा तो इट इज फेल्ट बाय मी। आज से पैसिव वॉइस फिनिश होता है। आप लोग पूरे पैसिव वॉइस का रिवीजन करिए, मेरे वीडियोस को पूरा देखा करिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिए। हाँ, मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।